जलपाईगुड़ी से लगभग 50 to 55 किलोमीटर के अंदर ही है। तो अभी हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट में। हेलो गाइस, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। मैं बड़ी लेके हूँ आज के लिए एक नए ब्लॉग। आज हम लोग जाएंगे घूमने के लिए क्योंकि आज है संडे का दिन। तो अभी हम लोग कहाँ पर जाएंगे वो डिसाइडेड नहीं है, शायद चालशा व्यूपॉइंट की तरफ ही जाएंगे। उसके बाद वहाँ का जो प्लेसेस है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि चालशा के आसपास कौन से व्यू पॉइंट्स है या फिर आप कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके लिए इस ब्लॉग पर बने रहिए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं आज की ब्लॉग। तो अभी हम लोग आ गए हैं चालशा व्यू पॉइंट में। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस है। लुक एट द प्लेस, वाओ। तो मैं पहले आपको यहाँ की जो ब्यूटी है वो दिखा देती हूँ। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस है। आपको यहाँ से यहाँ का जो पूरी व्यूज है वो मिल जाएगी। एंड ये है आगे की व्यूज। तो अभी तो चालशा व्यू पॉइंट पर आए हैं, इसके बाद ऊपर जाएंगे मेटली की तरफ। तो वहाँ पर जाके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे। तो पहले यहाँ का जो व्यूज़ है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है, आप यहाँ पे ज़रूर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी जगह है। तो पहले मैं ऊपर जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो यहाँ पर आपको बैठने के लिए काफ़ी सारी जगह मिल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। आपको यहाँ पर बैठने के लिए काफ़ी सारी जगह भी मिल जाएगी। तो मैं पहले आपको जगह के बारे में बोल देती हूँ। चालशा व्यू पॉइंट माल बाजार के पास में ही है। चालशा व्यू पॉइंट में ज़रूर विजिट कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा एक प्लेस है। जलपाईगुड़ी से लगभग 50 to 55 किलोमीटर के अंदर ही है। ज़रूर आना, काफ़ी ब्यूटीफुल सा प्लेस है। उतना दूर भी नहीं है। आपको यहाँ पर पहाड़ की जो खूबसूरती है वो भी मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल सा प्लेसेस भी है। और अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट पर जाएंगे जो कि है नदी के पास। वो काफ़ी खूबसूरत एक रेस्टोरेंट है। वहाँ का जो ब्यूटी है ना वो भी आप देखना, और वहाँ का जो रेस्टोरेंट का रिव्यू है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी आज इस ब्लॉग में। उसके लिए इस ब्लॉग को एंड तक देखना। और व्यू पॉइंट में देखने के लिए और नहीं है कुछ भी, क्योंकि इतना ही है पूरा व्यू पॉइंट जहाँ से आप पूरी जो नीचे की जो ब्यूटी है वो देख सकते हैं, टाउन की ब्यूटी। और यहाँ पर आप एक बार ज़रूर विजिट करना क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है। हनुमान बाज़ार के पास में ही है, और पास में ही है हनुमान बाज़ार हनुमान मंदिर। आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। शायद हम आज नहीं जाएंगे हनुमान बाज़ार हनुमान मंदिर में क्योंकि हम लोगों ने चिकन खा लिया है, तो नहीं जा सकते उधर। तो वहाँ का जो ब्लॉग है वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही लेके आऊँगी। वहाँ पर भी मैं जाऊँगी जल्दी, वहाँ का ब्लॉग भी लेके आऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और स्टार विद बॉनी नेम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर मैं स्टारिंग के ऊपर हर रोज़ वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आपने वो चैनल नहीं देखा है तो उसको भी आप ज़रूर देख लेना। उसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों को दे दूँगी इस वीडियो के एंड में, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा घूम लेते हैं, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे फिर जाएंगे रेस्टोरेंट में। वहाँ का जो व्यूटी वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। का जो व्यू से पहले मैं उनको दिखा देती हूँ।
तो अभी हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट में। यह रेस्टोरेंट का जो नाम है वो है ग्रैंड फ्लेवर रेस्टोरेंट। काफी ब्यूटीफुल से एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जरूर विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आपकी जो है पूरी व्यूज है वो मिल जाएगी। रेस्टोरेंट का जो व्यूज है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी अभी कुछ देर में। पहले हम लोग कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट का जो व्यू है वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। यह है मेटली में, चारशा व्यू पॉइंट से थोड़ी ऊपर मेटली में पड़ता है रेस्टोरेंट। काफी खूबसूरत है, यहाँ पर आप शादी के लिए भी बुक कर सकते हैं या फिर अगर आपके कोई पर्सनल ऑकेशन है उसके लिए भी आप ये रेस्टोरेंट बुक कर सकते हैं। काफी ब्यूटीफुल है रेस्टोरेंट, यहाँ का जो व्यूज है वो भी काफी ब्यूटीफुल है। मैं आप लोगों को वो व्यूज दिखा रही हूँ अभी, तो चलिए पहले यहाँ का रेस्टोरेंट का जो व्यूज है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी यूट्यूब पर नोटिफाई हो सके। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, टिल देन बाय गाइज़।